नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। उधर बीगांव में महादेव यात्रा के अवसर पर आयोजित गढ़ी कन्नड़ उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम। हुबली हत्याकांड का मामला सीआईडी को सौंपा जाएगा, विशेष अदालत गठित की जाएगी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक के साधु धारवाड़ में भाजपा के प्रहलाद जोशी के खिलाफ चुनावी दौड़ से हट गए। 7 मई तक जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल, दिल्ली शराब घोटाला कांड में नहीं मिली राहत। भारत में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है, शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। देखते समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज हनुमान जयंती मनाई गई। शहर के जनवाड़ा रोड पर स्थित हनुमान मंदिर में आज जयंती के कारण भक्तों की भीड़ लगी रही। आज सुबह से ही जयंती रहने से लोगों का शहर में रहे हनुमान मंदिरों में भक्तों ने हनुमान के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर मंदिरों को सजाया गया और विशेष पूजा सहित प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष रविन्द्र स्वामी ने कमलनगर तालुके के मुधालवी गांव में महादेव यात्रा के अवसर पर आयोजित गढ़ी कन्नड़ उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कलाकार नागराज जोगी और उनके सहयोगियों ने कमलनगर तालुके के मुधालवी गांव में महादेव यात्रा के अवसर पर आयोजित गढ़ी कन्नड़ उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार ने हुबली छात्र हत्या मामले को अपराध जांच विभाग को सौंपने का फैसला किया है और इसके शीघ्र निपटाने के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया जाएगा। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ की गुरुवार को बीवी कॉलेज के परिसर में कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी फयाज खोंडू नाइक मौके से भाग गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेहा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी और फयाज पहले उसका सहपाठी था। सिद्धरामैया ने कहा, हमने इसे सीओडी को देने का फैसला किया है, हम इसके लिए एक विशेष अदालत स्थापित करेंगे। आरोप पत्र को समयबद्ध तरीके से दाखिल करना होगा और मामले को निपटाना करना होगा इसलिए विशेष अदालत और मामले का निपटारा करना होगा इसलिए विशेष अदालत शिराटी बोले होसूर के फकीर दिंगालेश्वर स्वामी जी, जो लोकसभा चुनाव के लिए धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे थे, सोमवार को चुनाव से हट गए। स्वामी 4 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को हराने के एकमात्र उद्देश्य से मैदान में उतरे थे और उन्होंने उन पर लिंगायतों और ओबीसी को दबाने का आरोप लगाया था। यह प्रतिज्ञा करते हुए कि वह मैदान से हटने के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे, दिंगालेश्वर स्वामी ने अपने एजेंट सचिन पाटिल को सोमवार दोपहर को डीसी के कार्यालय में भेजा और अपने कागजात वापस ले लिए। ऐसा कहा जाता है कि मटके भक्तों के दबाव के बाद स्वामी ने पीछे हटने का फैसला किया। दिल्ली शराब घोटाला कांड में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। अब 7 मई को अगली पेशी होगी। उनके साथ ही कोर्ट ने के कविता की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल आज यानी 23 अप्रैल को जेल से वीसी के जरिए न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश हुए थे। बता दें कि शराब घोटाला कांड मामले में ही आप नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में ही बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर सियासत भी चरम पर है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि केजरीवाल डायबिटिक है, लेकिन फिर भी उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस बवाल के बाद पहली बार केजरीवाल को इंसुलिन दी गई है। जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। लेते एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की। अमरावती में अपने भाषण के दौरान शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन ने नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने रूस के एक शासक का वर्णन पढ़ा है। रूस का प्रशासन, रूस की सरकारी व्यवस्था और उस शख्स का नाम है। आज इस देश की जनता चिंतित है कि क्या इस देश में मोदी के रूप में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। अमरावती में अपने भाषण के दौरान शरद पवार ने कहा, सत्ता पक्ष के सांसद हमसे फुसफुसाते ही रहते हैं कि वहां हर मंगलवार को पार्टी की बैठक होती है और उस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं होती, लोग अपनी राय नहीं रख सकते। मोदी साहब बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे, वो सुनेंगे और सब लोग चले जाएंगे। किसी अन्य को वहां एक शब्द भी कहने का अधिकार नहीं है। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के फारूक नगर में 22 अप्रैल को एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस समय आग लगी उस समय घर में पति पत्नी सो रहे थे। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई जिससे घर में रखे पटाखों में विस्फोट हो गया। इस घटना में दंपति की मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों शादियों में इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और घर में काफी ज्यादा आतिशबाजी रखी हुई थी। आग लगने से दोनों बुरी तरह झुलस गए। पड़ोसियों ने पति पत्नी को दिल्ली के जीजीबी अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। एसीपी शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि 22 अप्रैल को गाजियाबाद पुलिस को जानकारी मिली कि थाना जिला मोड़ के फारूक नगर इलाके में एक मकान में आग लग गई। पुलिस और दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि पूरे घर में आग लगी हुई थी। इस आग में झुलसकर पति पत्नी की मौत हो गई। पति का नाम शमसुद्दीन और पत्नी का नाम समझ रहा था। मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर किसी तरह काबू पाया। घर मेन गेट के अंदर से बंद था। पड़ोसी और अन्य लोग गेट तोड़कर अंदर घुसे तो दंपति पूरी तरह आग से झुलस गए। छत से प्लास्टर टूटकर गिर रहा था। पटाखे और अन्य प्लास्टिक का सामान जलकर चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि घर में तेज धमाका हुआ था। कमरे और बाथरूम के अलावा पूरे घर में दीवार पर लगी टाइल्स टूट गई थी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर सुबह सुबह गोली चलाने के मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने इस मामले से संबंधित दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस सलमान के घर पर गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल को बरामद करने के लिए जुटी हुई है। इस पिस्तौल को खोजने के लिए मुंबई पुलिस सोमवार को गुजरात के सूरत पहुंची है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने घटना से संबंधित पिस्तौल के सूरत में तापी नदी में तलाश की है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला। सलमान के घर पर गोली चलाने वाले युवकों विक्की गुप्ता और सागर पाल ने पूछताछ के दौरान बताया है कि वो सलमान के घर गोलीबारी को अंजाम देकर मुंबई से सड़क के रास्ते सूरत पहुंचे थे। यहां से वे ट्रेन से भुज की ओर गए जहां यात्रा के दौरान उन्होंने पिस्तौल को एक रेलवे पुल से तापी नदी में फेंक दिया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की ओर से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने राउल एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से नियमित मुलाकात और इंसुलिन मुहैया कराने की याचिका दी थी। राउल एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की प्राइवेट डॉक्टर से नियमित मुलाकात की मांग खारिज की है। कोर्ट ने केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में पैनल गठित किया। एम्स का पैनल ये तय करेगा कि केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए या नहीं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अपनी पत्नी की मौजूदगी में उन्हें डॉक्टर से नियमित 15 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी जाए। एक तरफ जहां मध्य पूर्व में जंग के हालात बने हुए हैं तो वहीं दूसरी ओर इराक से भी अमरीका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में इराक के जुम्मर शहर से उत्तर पूर्वी सीरिया में अमरीकी सैन्य अड्डे की ओर कम से कम 5 रॉकेट दागे गए। इराक की सुरक्षा सूत्रों की ओर से रॉयटर्स को इस बारे में जानकारी दी गई है। अमरीकी सेना के खिलाफ फरवरी की शुरुआत के बाद यह पहला हमला है। यह हमला इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के अमरीकी की यात्रा से लौटने और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के एक दिन बाद हुआ है। कहा जा रहा है कि इराक की सीमा से अमरीकी सैन्य अड्डे पर रॉकेट दागने के बाद आतंकी किसी अन्य वाहन से फरार हो गए थे। यह हमला इराक के आतंकी समूह की तरफ से तय किया गया था। आतंकी समूह का कहना है कि वह सीरिया में अमरीकी के सैन्य बेस पर इसी तरह के हमले जारी रखेगा। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के एक अधिकारी रमी अब्दुल रहमान ने कहा कि इराक की सीमा से सीरिया में अमरीकी सैन्य बेस पर कई रॉकेट दागे गए हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिरों में उमड़ी भक्तों की। उधर बीगांव में महादेव यात्रा के अवसर पर आयोजित गढ़ी कन्नड़ उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम। हुबली हत्याकांड का मामला सीआईडी को सौंपा जाएगा, विशेष अदालत गठित की जाएगी, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा।
कर्नाटक के साधु धारवाड़ में भाजपा के प्रहलाद जोशी के खिलाफ चुनावी दौड़ से हट गए। 7 मई तक जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल, दिल्ली शराब घोटाला कांड में नहीं मिली राहत। भारत में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है, शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।